दोस्तों नमस्कार। ये कोयराल होता है हमारे पहाड़ में। ये देखिए आप, ये फुला हुआ है, इसके सब्जी बनाते हैं। ये देखिए आप, ये फ्लावर, और आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये सब फूल खिले हुए हैं, कोयराल के फूल। ये कोयराल के फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। और इसको मैं दिखाऊं तो ये इसका पेड़, और ये जो हम सब्ज़ी बनाते हैं, ये देखिए, ये इसकी सब्ज़ी बनाते हैं कोयराल की। आज हम अपने घर में कोयराल के फूल की सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए आप, ये कोयराल का पेड़ दिखाऊं तो ये ऐसे करके, ये पेड़ है, इसकी लीफ, और ये इसका, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। अब ऐसे पकड़ करके इसको कोई ले जा रहा है ना, कर दे रहा है। ये है कोयराल, इसका कोयराल का पेड़, इसके पत्तियाँ इस टाइप की, ये इसका है, और इसकी सब्ज़ी बनाते हैं हम। ये इसको तोड़ेंगे, ये देखिए, ये है, ये इसको तोड़ लेता हूँ मैं, दिखा तो इसको, ये तोड़ लेता हूँ मैं। देखिए इसकी सब्ज़ी बनेगी, इसकी बनेगी सब्ज़ी, और ये इस टाइप के ये चीज़ें, ये देखिए आप, ये इसमें ये बडिंग हो रही है, देखो फूल आ रहा है यहाँ पर ये, और ये देखिए, ये बनाते हैं इसकी सब्ज़ी कोयराल की। और एक आपको दिखाऊं मैं तो, ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये लगा हुआ है, और इसकी सब्ज़ी बनाते हैं हम। इसके बाद ये जब ये फूल जाता है तो ये फ्लावर, ये आपको दिखाऊं मैं तो, ये फूल गया है, ये कोयराल कहते हैं हमारे पहाड़ में। इधर को एक दिखा दें, ये सामने इतना अच्छा फूल हो रहा है, और ये देखिए। तो मित्रों, आज ये कोयराल और इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी, और ये हमारे पहाड़ों में अधिकतर आजकल ये बसंत के बाद जो गर्मियों के दिन आते हैं थोड़े धीरे, तो ये कोयराल पेड़ और इसके फ्लावर, सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्लावर हैं इसके। तो आज आपको मैं इसकी सब्ज़ी बना करके दिखाऊंगा। ये तो मैं दिखा रहा हूँ, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग, और ये इसकी पत्तियाँ दी ये सेट हुई, और पेड़ भी दिखा दिए इसका, बड़ा वाला पूरा पेड़ ऐसा आया आज। कोयराल का पेड़ ये इस टाइप का है, और इसमें दिखाऊं तो ये जो हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये हैं, ये देखिए कोयराल के फूल, कोयराल की सब्जी बनाई जाएगी आज। कोयराल का पेड़ आपको दिख रहा होगा, इसके पेड़ और ये पत्तियां, और सामने फूल हो गया, सब्जी बनेगी इसकी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है कोयराल के फूल, जो कोयराल, और ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका, कोयराल का, और इसकी सब्ज़ी बनाने वाला हूँ मैं। ये मैंने तोड़ के लाया हूँ, ये छपरी रिंगाल की बना रखी मैंने, आपने मेरे यूट्यूब चैनल में देखा होगा। ये मेरा अपना हैंडमेड है, और इसमें रखे मैंने, अभी इनको सफाई की जाएगी, फिर इसको उबाला जाएगा। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस टाइप के तोड़ के लाया हूँ मैं, इसमें ये फूल, इस टाइप का फूल आ जाता है। दिखाऊं मैं आपको तो, ये देखिए, ये फूल है, अब दिख रहा तो ये फूल, ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, इस टाइप का फूल होता है, और ये वो है। और इसको मैं अभी साफ करूंगा। पेड़ में आपको मैंने उसके खिले हुए फूल और पेड़ आपको दिखाने की कोशिश की थी, जहाँ मैं गिर भी गया था, तो आप लोगों ने अभी मैं पेड़ और वो पेड़ देखा होगा आपने कभी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको धो करके फिर बनाऊंगा, पहले इसको साफ़ कर लेता हूं मैं। ये है, ये जो हमारे जंगलों में कोयराल होता है, उसके आजकल फूल आए हुए हैं, तो मैं इसकी सब्ज़ी बना रहा हूं। ये वो कोयराल के फूल हैं शानदार, ये देखिए, इनकी सब्ज़ी बनेगी, और इसमें से जो फूल हैं, ये फूल आ गया है, ऐसा होता है। पेड़ में आपको मैंने फूल दिखा था, कोयराल के फूल ऐसे हो गए, ले थोड़ा ये ठीक ठाक नहीं है, इसको तो खैर हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। लेकिन जो सब्ज़ी बनाने वाले कोयराव हैं के फूल हैं, ये
इनको इनको तोड़ के इस तरह से ये तोड़ लिया, और ये वेस्ट मटेरियल है, ये जो डंठल हैं इनको हटा दिया जाएगा और इसका सब्जी बनेगा। ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इतना फर्स्ट क्लास हो रहे हैं ये, तो इसकी चटनी भी बनती है। और कोइराव के फूल जंगलों में बिना किसी केमिकल रासायनिक खादों से बनी हुई चीज़ों का, जो कि पुराने बुजुर्गों के टाइम से पहाड़ों में लोग को ने खाया है, हम लोगों ने भी सीखा है, आगे की नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बताने के लिए कि इस तरह की चीज़ें भी जंगलों में होती है जो खाते थे पहले लोग बाग। आजकल सब रासायनिक चीज़ों से बनी हुई सब्जियां खाते हैं हम लोग, तो एटलीस्ट ये जो कोइराव है ये जंगल में पेड़ के रूप में होता है, उसमें फूल मैंने आपको दिखा रहा है, कोइराव का पेड़ दिखा रखा था मैंने आपको, ये इसकी कलियां और ये वेस्ट मटेरियल है, इसको हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जैसा कि कोइराव का फूल, अब ये मैंने थोड़े से बचे हैं ये छान करके मैंने ये रख दिए हैं यहाँ पर ये, और तो ये हैं ये जो छटे हुए हैं, और ये के गुच्छा बचा रखा मैं आपको दिखा रहा था, ये जैसे कि आपको ये फूल दिख रहा है ये उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हैं असली ये वाले इनके बनती हैं सब्जी, तो मैंने ये छान लिया है। अब ये थोड़े से ही बचे हैं, इनको भी मैं साफ़ करने के बाद, ये देखिए आप इसमें फूल आया हुआ है ये देखिए ये, और इनको साफ़ करने के बाद ये थोड़े से बचे हैं मेरे पास, फिर मैं इसको उबालूंगा, फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये धो दिए हैं, ये छानने के बाद ये कलियाँ ये कोइराल के फूल धो दिए हैं, और इधर मैंने इसमें गर्म पानी कर रखा है, इसमें थोड़ी देर के लिए मैं इनको ये जो है ये उबालने डाल देता हूँ, ये कैसे करके ये उबल जाएंगे। दो तरीके होते हैं इसमें बनाने का, एक तो आप उबाल करके फिर आप कढ़ाई में छौंका लगा सकते हैं, और एक मसाला बनाने के बाद आप कढ़ाई में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको उबालने के से इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है और ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है ये। तो दो मेथड हैं इसमें बनाने के, एक तो ये उबाल करके ऐसे आप एक उबाल दे सकते हैं, ये इधर मैंने इसको उबालने के लिए डाल दिया है, और जब तक तो ये उबालते हैं तब तक इसको मैं ढक देता हूँ, एक हल्का सा उबाल आता है, उधर मैं इसके मसाले की तैयारी करता हूँ, टमाटर प्याज वगैरह काटता हूँ, और तब तक तो इसको उबालने रख दिया मैंने। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला ये, तो दोस्तों ये दो प्याज काट लेता हूँ, और थोड़ा इधर ये टमाटर बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ मैं, इसमें दो टमाटर एक और रख लेता हूँ, एक और टमाटर, तीन टमाटर और ये दो प्याज, और थोड़ा इसमें से हरी खुशानी, जो पहाड़ के लोग हैं हमारे वो लोग जानते हैं खुशानी, हिंदी भाषी लोगों के लिए मिर्ची, ये दो तीन एक हरी खुशानी ये रख देता हूँ, थोड़ा सा अदरक साफ करके मैंने दो तरह टुकड़े इसकी भी डाल दूंगा, और लहसुन की एक दो फांक वो भी डाल दूंगा, ये कुल मसाला अब मेरा तैयार हो रहा है, मैं इसको तैयार करता हूँ वैसे। तो दोस्तों ये मैंने ये बारीक प्याज काट दिया है, इधर मैंने टमाटर काट रखे हैं, इधर मैंने थोड़ा अदरक बना रखा है, थोड़ा ये हरी खुशानी हरी मिर्ची काट रखी है, ये तैयारी करके मैंने फिर ये उधर उबालने मैंने रख रखा है, ये मसाले तैयार, फिर इसको ये मैंने उबाल दिया है, ये देखिए ये उबल गए हैं, मैंने ये खाली कर दिया है उबाल के, और ये कितने उबालने हैं इसके जो डंठल हैं इसको, ये देखो आप ये मैश कर लीजिए आप इसको, ये बिल्कुल ऐसे हो गया है, मतलब ये इस टाइप से पक गए हैं, और दिखाऊँ मैं आपको दोबारा, ये देखिए इसका ये जो है ये, इसको आप दबाओगे थोड़ा सा तो इसका माने ये पक गए हैं, ये उबल गए हैं, अब इसको भूनना पड़ेगा। के फूल उबल गए हैं, इधर मैंने ये लोहे की कढ़ाई गैस में रख दी है, और इसमें जो हम सब्जियां खाते हैं, जो हम सब्जियों से हमें आयरन मिलता है, लौह तत्व तो मिलता है, वो उसके साथ साथ लोहे की कढ़ाई में बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें से जो लोहे की कढ़ाई में बनाने से इसका लौह तत्व तो हमारे भोजन में एडिशनल ऐड हो जाता है सब्जी के साथ साथ, इसलिए अधिकतर लोहे की कढ़ाई का ही प्रयोग करना चाहिए। और इधर मैं इसमें सरसों का तेल डालता हूँ, रिफाइंड नहीं चलेगा ये सरसों का तेल इतनी मात्रा में, अब सब्जी के हिसाब से आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं,
वो कितनी क्वांटिटी में आपकी सब्जी है उस पर डिपेंड करता है। और सब्जी भी सरसों के तेल में ही अधिकतर इसको मैं गर्म कर देता हूँ। मित्रों इधर कोहराल के फूलों को उबालने के बाद मैंने लोहे की कढ़ाई में ये लहसुन प्याज टमाटर मसाला तैयार हो रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मसाला तैयार हो रहा है। इनमें ज़्यादा क्या होता है ना दोस्तों, कई बार जो हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें अधिक मसाला ऐड करने से खाने वाली चीज़ का स्वाद मतलब पता नहीं चलता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसलिए मसाले ज़्यादा नहीं, जो चीज़ आप खा रहे हो उसका टेस्ट अगर आप लेना चाहते हो तो मसालों की मात्रा कम होनी चाहिए। और इस थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा मात्रा में इसलिए काटा है मैंने क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टा खट्टापन होना चाहिए, अच्छा लगता है ये। और ये तैयार हो गया है। सरसों के तेल में मैंने प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्ची और थोड़ा अदरक के टुकड़े भी डाले थे मैंने, ये चीज़ें तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ा इसमें स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च धनिया और थोड़ा ऐड कर लूँगा। मैंने कोहराल के फूलों को उबालने के बाद इसमें मसाला तैयार किया था और एक कोहराल के फूल जो उबले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से गले हुए थे उबाल के। दूसरा तरीका इसका ये था कि आप मसाला तैयार करने के बाद डायरेक्ट इस बिना उबाले भी बना सकते हैं। और होनी चाहिए लोहे की कढ़ाई, थोड़ा अगर मैं सही बताऊँ तो बना तो मैं उबाल के रहा हूँ लेकिन असली ज़्यादा और टेस्ट आप इसका कोहराल के फूलों का अगर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बनाइएगा। हालांकि इसमें थोड़ा पकने में समय लगता है, 0 आंच में आपको हल्के आंच में इसको रख के पकाना पड़ेगा, लेकिन लोहे की कढ़ाई में अगर आप डायरेक्ट भी अगर इस तरह से बनाओगे तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। आज मैं क्योंकि मेरा जल्दीबाजी का काम रहता है ऐसे ही तो थोड़ा इस तरह से भी मैंने बना रखा है। आप वैसे भी डायरेक्ट कढ़ाई में मसाला बनाने के बाद इसको कर सकते हैं। तो ये तैयार और इसको मैं ढक्कन लगा दूँगा थोड़ा सा, उसके स्टीम से थोड़ा ये और सॉफ्ट और मसाला जो इसका नमक और इसका जो टेस्ट है वो इसमें मिक्स हो जाएगा आराम अच्छी तरह। तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में परोसता हूँ। सब्जी मैंने तैयार कर दी है, पक गई है। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए परोस देता हूँ। इसमें ये परोसा है और ये रोटियाँ, एक रोटी और रख देता हूँ, 4 रोटी, क्योंकि सब्जी बहुत शानदार बनी है। ये देखिए कोहराल के फूल की सब्जी, ये देखिए कोहराल के फूल हैं, इसकी सब्जी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो मित्रों ऐसा है, क्या पता स्वाद कैसा होता है। ये देखिए कोहराल की सब्जी और एक बाइट ये आपके लिए, जो स्वाद है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती तो शायद मैं आप तक पहुंचाता। ये देखिए ये आनंद आ गया यार, मज़ा आ गया इसका स्वाद का, जो कोहराल का स्वाद है, जो ये कोहराल की सब्जी मैंने बना रखी है। ये देखिए ये कोहराल के फूल हैं, बहुत आनंद बहुत मज़ा आ रहा है। धन्यवाद आभार आपका। और आप मेरे YouTube पहाड़ी राजू के चैनल को देखते रहेगा और इस टाइप के पहाड़ की चीज़ों को का आनंद लीजिएगा। थैंक यू सो मच।